नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सनातन ज्ञान में। आज की इस वीडियो में पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है, पितृपक्ष में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और पितृपक्ष में हम पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, आज के पूरे वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। मनुष्य के जीवन पर आसपास के वातावरण का पूर्ण प्रभाव होता है। आसपास के पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। हमारे ऋषि मुनि और अध्यात्मवादियों ने पशु पक्षियों को ज्योतिष तथा मनुष्य के भाग्य से जोड़ा है। ज्योतिष में सिर्फ पंचम से ही नहीं बल्कि पक्षियों से जुड़े शकुन के माध्यम से शुभ अशुभ समय जानने की परंपरा रही है। वास्तुशास्त्र में भी पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के घर में प्रवेश करने को लेकर भी शुभ अशुभ बातें बताई गई हैं। दोस्तों, घरों में जीव जंतुओं का या पशु पक्षियों का आना आम बात है। पक्षी पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी चहचहाट से सुबह की ताजगी दोगुनी हो जाती है। कई बार घर में चिड़िया, कबूतर घोंसला बना देते हैं। मधुमक्खियां भी अक्सर घर में अपना छत्ता बनाती रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके जीवन पर और घर पर क्या असर करता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन पक्षियों के बारे में जो घर में अशुभता लेकर आते हैं। इनके आने से घर में दुर्भाग्य आता है, मनहूसियत का ये कारण बन सकते हैं। पक्षियों को लेकर अनेक शगुन अपशगुन की मान्यताएं हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनकी जिंदगी में किसी पक्षी ने बीत न की हो। भले ही किसी को पसंद ना आए लेकिन ये एक शुभ संकेत माना जाता है। अक्सर लोगों की बस्तियों में पाई जाने वाली, घर के आसपास या घर के छज्जे में बरामदे में रहने वाली गौरैया आपके घर में शुभता लाती है। गौरैया आपके घर घोंसला बना दे तो उसे तोड़ दे या भगाए नहीं, ये मंगलकारी माना जाता है। ये घर में सुख समृद्धि संपन्नता लेकर आता है। इससे आपका भाग्य संवर जाता है और घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो भी चिड़िया या गौरैया का घोंसला बनने से दूर हो जाता है। लेकिन अगर घर में बरामदे में कोई गौरैया मर जाती है तो उस घर में नकारात्मकता आने लगती है, उन्नति रुक जाती है। घर में मृत गौरैया दिखना बहुत ही अशुभ होता है। मुर्गा या कोयल जैसे पक्षी छोड़कर अन्य कोई पक्षी लगातार आपके घर के पास आकर या आपके घर की छत पर बैठकर अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं तो ये बहुत ही अशुभ कारक माना जाता है। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का संकेत होता है। घर की छत या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिरैया चढ़ जाए तो ये आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। वैसे ही झींगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई देना बुरे दिनों के समापन की पूर्व सूचना होती है। दोस्तों, कबूतर एक शांत पक्षी है। इसे लक्ष्मी भक्त माना जाता है। अक्सर घर में कबूतर आ जाते हैं, उन्हें दाना खिलाया जाता है। ये अच्छी बात है पर कबूतर घर में घोंसला बना दे तो ये नुकसानदायक होता है। कबूतर का संबंध राहु से होता है और वो बीच से छज्जा या छत को गंदा कर देते हैं तो राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और नकारात्मकता का वास हो जाता है। लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। दीपावली, होली, नवरात्रि ऐसे पर्वों पर इनका दिखना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के आगमन का यह संकेत माना जाता है। लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज देना, उसका दिखना ज्यादा कल्याणकारी नहीं है। ये किसी आने वाली विपदा का संकेत है, आने वाली बीमारी की ओर ये इशारा करता है। अगर उल्लू बार बार उच्च स्वर में चिल्लाए तो धनहानि की संभावना होती है। अगर रात में आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं और उल्लू प्रसन्नता से मध्यम स्वर में बोलें तो ये शुभ संकेत है। उल्लू का घर पर बैठना बहुत ही अशुभ माना जाता है। उस घर पर बड़ी आपत्ति आ सकती है, परिवारजनों पर संकट आ सकते हैं।
टिटहरी जिस दिन पेडडेज पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो यह भूकंप आने का इशारा होता है, क्योंकि टिटहरी हमेशा जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका घर में अचानक बैठना विपदा का संकेत होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। दोस्तों, मधुमक्खियाँ भी कई बार घर के बाहरी कोनों में अपना छत्ता बना लेती हैं। ताजे और मीठे शहद के मोह के कारण कुछ लोग इन्हें जानबूझकर नहीं भगाते हैं, लेकिन वास्तु अनुसार घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा रहना अच्छी बात नहीं है, इससे बड़ी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो मधुमक्खी अगर घर पर छत्ता बना ले तो उसे सावधानी के साथ हटा दें। इसी तरह ततैया भी घरों में अपना छत्ता बना लेती है। इनके छत्ते घरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये भी वास्तु अनुसार सही नहीं माना जाता। इनसे घर में संकटों की कतार लग जाती है, तो इसे आप सावधानी पूर्वक हटा दें और आने वाले कष्टों से बच जाएं। और एक पक्षी जो बहुत ही अशुभ माना जाता है वह है गीत। यह मृत जीवों को खाता है, इसीलिए इनका आना अमंगलकारी माना जाता है। जिस घर पर इनका साया पड़ता है उस घर की उन्नति रुक जाती है। परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश कलह होते रहते हैं, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और धन की हानि हो जाती है। गिद्ध घर में जब भी आ जाए तो उसे भगाकर शांति पाठ करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में कौवों का घर पर आना और कौवों को खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन बिना कारण कौवों का बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं सपनों में कौवा आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौवे की आवाज सुनाई देना या घर में कौवा बैठा देखना कहीं से समाचार आने का संकेत है। प्रातकाल की बेला में कौवा दिख जाने पर दिन भर परेशानी का द्योतक होता है। घर पर कौवा बार बार आकर चिल्लाए तो आपके ऊपर पितृदोष होने की संभावना होती है। आर्थिक दृष्टि से यह हानिकारक होता है, तो ऐसे में तुरंत इन पक्षियों को घर से भगा दें या आप इन्हें कुछ खिलाकर तृप्त करें ताकि दुष्परिणाम आपको झेलना न पड़े। हिंदू शास्त्रों में चमगादड़ को भी अशुभ जीव माना जाता है। वैसे तो पेड़ों पर या निर्जन वस्तु में इनका वास अधिकतर होता है, लेकिन कभी कभी किसी अच्छे घर में भी ये आ जाते हैं। यदि कोई चमगादड़ आपके घर में डेरा बना ले तो ये बहुत अशुभ संकेत है। आपके घर में कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है, परिवारजनों की तरक्की प्रभावित हो सकती है। घर में चमगादड़ों का घुसना नकारात्मक शक्तियों की ओर इशारा करता है। इससे घर में बुरी शक्तियों का वास और नज़र दोष शादी होने की आशंका होती है। इनके घर में प्रवेश से परिवार में क्लेश कलह बढ़ जाते हैं, अशांति का माहौल रहता है। आपस में नहीं बनती, इनसे बीमारियां भी आती हैं। इनके पंखों और पंजों में मौजूद घातक बैक्टीरिया खतरनाक बीमारियों को न्योता देते हैं। इससे बचने के लिए आप चमगादड़ को बिना नुकसान पहुंचाए घर से भगा दें। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में मोर को शुभ कारक माना जाता है। सुबह अगर आपको मोर की आवाज़ सुनाई दें तो ये अच्छा शगुन होता है। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाकर रखता है। आपके घर की छत पर अगर मोर आ जाए तो खुश हो जाएं, ये एक शुभ संकेत है। घर की छत पर मोर को नाचते देखना बहुत ही मन को भाता है। ये भाग्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। मोर का आना आपके लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है, इसलिए अब जब भी मोर आपके घर पर आए तो खुश हो जाएं। समझ जाएं भगवान आपके कार्यों से प्रसन्न हैं और निश्चित तौर पर आपके घर की नकारात्मकता चली जाएगी, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, घर परिवार से दुख दरिद्रता दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में शुभता का वास हो, आपकी धन दौलत बढ़े, घर परिवार में खुशहाली हो, तो छोटे पक्षियों को आप दाना खिलाएं, पानी पिलाएं, आपकी किस्मत चमक जाएगी। कुंडली में राहु केतु की महादशा हो तो पशु पक्षियों को बाजरा खिलाएं। पशु पक्षियों को ज्वार खिलाने से शुक्र जनित दोष दूर हो जाते हैं। पक्षियों को गेहूं खिलाने से कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चावल खिलाने से मानसिक परेशानियां दूर होती हैं और मन की शांति मिलती है। पक्षियों को मूंग की दाल खिलाने से बुध जनित दोषों से छुटकारा मिलता है। चने की दाल से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाला नॉलेज बेल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स और वॉचिंग माय वीडियो।